पहले वो अर्नब गोस्वामी बीजेपी का प्रवक्ता था, आज जब वो जेल में है तो बीजेपी के लोग उसके प्रवक्ता बन गए हैं। लेके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सारे लोग उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं। मैंने उन जहाँ तक उनको समझा कि वो एक बेहतर इंसान ही नहीं है, तो वो पत्रकार बेहतर कैसे बन सकते हैं। ये चार पांच ऐसे फालतू हैं बीजेपी के जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं और वो खुला पत्रकारिता नहीं करते, बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी की मदद करने का काम करते हैं और पत्रकारिता को बदनाम करते हैं। जिस भाषा में उन्होंने एक मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, क्या उसकी भाषा शोभनीय थी? तो अर्णव गोस्वामी जहाँ गए हैं ना वो सही जगह पे गए हैं, और ऐसा कोई भी करे, आम आदमी करे या किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी, कोई गलत कर रहा है उसके लिए वही जगह सही। मैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से, की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ कि देश के चौथे स्तंभ को चलाने वाले लोग, पत्रकार लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भाजपा से सवाल करें, भाजपा के नेताओं से सवाल करें। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 पत्रकारों पर FIR हुई हैं, कई को जान से मार दिया गया है। क्या कभी ये बीजेपी के नेता उनके फेवर में बोले? देखिए, जो ये बीजेपी जो बोल रही है, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि बीजेपी अर्णव के साथ क्यों है। भाई अर्णव गोस्वामी ने, आप उनकी पत्रकारिता देखिए, भाई पत्रकारिता की जो भाषा है, वो जो अर्णव गोस्वामी जो बोलते हैं, कहते हैं, क्या वो पत्रकारिता के नाम पर ऐसा काम करना आपको शोभा देता है? आपको लगता है ये अच्छा बोल रहा है, अच्छा कहता है? अर्णव गोस्वामी ने एक तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है, पत्रकारिता है, उसको बदनाम करने का काम किया है, और बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी इस चौथे स्तंभ को बदनाम करने का काम कर रही है। बीजेपी के सारे लोग अर्णव गोस्वामी के प्रवक्ता बन चुके हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो जाए दिए, पुलिस गलत आदमी को गिरफ्तार करती नहीं है। क्या पुलिस किसी पत्रकार को नाजायज गिरफ्तार कर सकती है पुलिस में इतनी हिम्मत? अब ये तो पता नहीं भाई, हो सकता है वो जाने में आनाकानी कर रहे हो या क्या हालात रहे हों, पुलिस को किस सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पत्रकारिता के नाम पे अर्णव स्वामी जैसे लोग एक धब्बा हैं और वो ठीक नहीं है। जिस तरह वो पर्सनल हो जाते हैं, जिस तरह की उनकी भाषा होती है, जितना एग्रेशन होता है, लोगों पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिस तरह भी मैंने जो भी उनकी डिबेट्स या प्रोग्राम देखे जितने भी हुए, और पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है, सुसाइड नोट का हवाला देते हुए और जो भी थे, तो पुलिस के पास कुछ एविडेंस थे, उसके खिलाफ उनको पुलिस लेके गई है, और जो भी होगा वो कोर्ट का काम है तय करना। अगर वो दोषी हैं तो सज़ा पाएंगे, बिल्कुल। अगर लिखा है तो वो कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी, जो भी अच्छा बुरा उनके साथ होना होगा वो करेगी, लेकिन हम गलत के साथ हैं। अगर उन्होंने किया, वो दोषी हैं, तो हम इसकी निंदा करते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अर्णव गोस्वामी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करी, किसी ने देखी है? किसी ने देखी नहीं ना? नहीं, वीडियो तो वायरल है, वीडियो तो पता नहीं वो कब का हो, कैसा हो वीडियो। तो उसमें ये भी आया है कि अर्णव गोस्वामी ने एक पुलिस अधिकारी के साथ वह मारपीट करी है। हाँ, कुछ ऐसे धक्का मुक्की, मतलब खींचतान हो रही थी। एक करवा देखो, महिला तो वो आपको फूल तो बरसाएगी नहीं। आप जानते ही हो, ये विदेश की पुलिस तो है नहीं, ये हिंदुस्तान की पुलिस है, लाठी भी चलाती है, आंसू गैस भी छोड़ेगी। अगर कोई गौरी लंकेश का ही देख लीजिए, आप गौरी लंकेश का ही देख लीजिए, हुआ तो क्या किसी बीजेपी के नेता ने, प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने इतना कुछ एक्शन लिया, ट्वीट किया या कुछ नहीं हुआ? तो फिर एक गोस्वामी क्यों, या गोस्वामी जैसे ही क्यों? कल को जो इनकी टीम के लोग हैं, ये सब टीम बीजेपी है, आप सब लोग जानते हैं, इसीलिए आप लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, और आप लोग भी इनके काम से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ पत्रकारों की, मीडिया की, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता आपके पूरे पत्रकारिता को बदनाम करती है, जैसे लोग या अर्णव गोस्वामी। अब आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी जी यहाँ तमाम काम कर रहे हैं, लोगों की बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, कहीं किसी का कॉलेज गिराए दे रहे हैं, और वो दूसरे दलों से थे, कोई कांग्रेस का था, कोई बसपा का था, कोई सपा का था, तो क्या हमें भी ये कहना चाहिए कि वो बदले की भावना से कर रहे हैं? अगर किसी के पेपर वर्क में कहीं कोई कमी है, या कोई मुजरिम है, अपराधी है, या कोई गलत है, तो सरकार अपना काम करती है और कर रही है, तो हमें इस कहने का कोई हक ही नहीं है कि वो बदले की भावना से कर रहे हैं। अगर सुसाइड नोट में आपने खुद ही कहा है ये कि इनका पूरा जिक्र है उसके अंदर, तो ये इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए?
इसका सारा पूरा ब्यौरा कोर्ट और पुलिस मिलके इसका निपटारा करेगी और बताएगी जनता को कि क्या असलियत है और क्या नहीं है। आने वाले दिनों में आपको सब तस्वीर साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर अपराधी हैं तो बिल्कुल जेल में जाएंगे। देखिए इसमें सारे पत्रकार नहीं आते, पत्रकार नहीं आती। देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, वही काम अर्णव गोस्वामी कर रहे थे। अर्णव गोस्वामी जी अपनी सही जगह पे पहुंचे हैं, उनको बहुत पहले, वो एक प्रदेश के जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं। आपने कई बार चैलेंज करा, चैलेंज करते हैं, चैलेंज करा भाई, वो कौन होते हैं चैलेंज करने वाले एक मुख्यमंत्री को। जो अर्णव गोस्वामी का व्यवहार था कोर्ट में पुलिस के ले जाते समय, वो उनका नहीं था। उसके पीछे से जो उनको सपोर्ट मिली ना ट्वीट की भाजपा नेताओं का, वो उसका असर था। उसको बल दे रहा है। सर एक आखिरी सवाल, वो उनको ये था कि भी मेरे साथ तो जब केंद्र की सरकार खड़ी है, हैं तो ये कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है, लेकिन ये देश लोकतंत्र से चलता है, कोर्ट से चलता है। अर्णव जैसों के लिए सही जगह वही थी जहाँ वो पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये तो TRP बढ़ाने के लिए चैनल्स लोग जहाँ वो बैठते हैं ये कर रहे थे, और BJP उन लोगों की मदद करती है। जब अर्णव जैसे लोगों को BJP बल देगी तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी आतंकवादी बोलेगा, किसी को भी कुछ बोलेगा, किसी पे भी चिल्लाएगा। अर्णव को क्या हक है? अगर आप किसी को कोई भी डिबेट में या प्रोग्राम में बुलाते हो तो उसकी एक मर्यादा होती है, घर बुलाए मेहमान की इज्जत की जाती है, उसका आदर किया जाता है, अतिथि को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अर्णव की हालत आपने देखी है कि स्टूडियो में बुला के जलील करने के अलावा और लोगों पर चिल्लाने के अलावा, यकीन मानिए अगर हमारे सामने किसी ने हुआ जाता तो हम ऐसा उसको जलील करते कि ऊपर से नीचे तक धो देते। वो चिल्लाना तो छोड़िए, वो उसकी आवाज़ बंद कर देते, उसको ऐसा जवाब वहीं देते कि वो भूल जाता लोगों से कि अदब से कैसे पेश आया जाता है, ये उसको हम तमीज़ सिखा देते। और ऐसे लोगों को यही डिज़र्व करते हैं, और दोषी है तो बिल्कुल वो जेल ही रहें, बेहतर है ऐसे लोग।